तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अशोक लेलैंड के स्टॉक के बारे में। अशोक लेलैंड के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है, हमको पहले यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। पहले हमको यहाँ पर स्टॉक में हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, और जो स्टॉक है वो यहाँ पर लगातार अपने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा था। लेकिन जब जब से स्टॉक ने यहाँ पर अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, तब से हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अभी रिसेंटली स्टॉक ने यहाँ पर रिकवर करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर स्टॉक अपने इस प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और अभी अगेन हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 1.23% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अगर स्टॉक में और गिरावट आती है तो यहाँ से और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 170 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक है 167, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 164, और अगर स्टॉक ने यहाँ पे इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में अगेन 160 तक के लेवल से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज अ नेक्स्ट स्टेप का सपोर्ट। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से रिकवरी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 179 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 180, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 185, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में अगेन 190, और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 200, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 210 220 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ऐसे नेक्स्ट स्टॉप पर रेजिस्टेंस। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।